स्माइल करो। तो है देखो स्माइल करो। डांस करो, डांस करो, नाचो नाचो बल्ले बल्ले, डम डम लक लक, डम डम लक लक, डम डम लक लक, डम डम लक लक, करो डांस करो, नाच के दिखाते नानी को। लड्डू डांस करो, डांस डांस करो। ये ऐसे ही बैठ के करती थी डांस, गिर जाएगी। देखिए एवरीवन, पूजा हो चुकी है एंड आज हम गए थे, समीक्ष के पीटीएम थे आज, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो बस आज उसको स्माइली भी मिली है जो कि आप देख चुके होंगे वीडियो में जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है। तो बस मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, तो अभी मैं इसको सुला देती हूँ। तो गाइज आप लोगों को दिख रहा होगा ये दोनों बुआ भतीजे खड़े हैं। ये किस लिए खड़े हैं? पॉपकॉर्न लेने, पॉपकॉर्न वाला है तो पॉपकॉर्न लेने के लिए खड़े हुए हैं दोनों बुआ भतीजे। दोनों उसकी आवाज़ सुनते ही बाहर निकल गए हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, ये देखिए दोनों खड़े हुए हैं। नहीं आया? अब देखिए एक कस्टमर तो आ चुका है वापस, एक कस्टमर खड़ा हुआ है। अब इसको कब मिलेंगे पॉपकॉर्न इसे पता नहीं। ये भी वेट करके आ गया वापस। क्या हुआ, नहीं आया है पॉपकॉर्न वाला? नहीं आया? Thank you.
तो गाइस देखिए फाइनली पॉपकॉर्न मिल चुके हैं। एक कस्टमर यहाँ हैप्पी है, एक कस्टमर वहाँ चला गया अपने पॉपकॉर्न लेकर, बाहर जा रहा है वो खाने के लिए। तो इसको बाहर सबके साथ बैठ के खाने हैं मेरे घेरे। आइए आप लोग भी खा लीजिए पॉपकॉर्न। इवनिंग में टाइम हो रहा है, 7:30 का टाइम हो रहा है एंड पूजा मैं कर चुकी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पुलाव, तो सिंपल पुलाव भी बन रहा है, मतलब बिल्कुल प्लेन, जो सादे चावल बोलते हैं एक तरह से, वो भी बना रही हूँ। तो मैं समीक्ष के पापा के लिए, क्योंकि उनका जो मुंह है ना वो अंदर से छीला छीला सा हो रहा है, तो उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा, तो इसीलिए उन्होंने बोला सादे चावल बना दो, दही के साथ खाऊंगा मैं। तो बस इसलिए वो चावल उनके तो बन चुके हैं सादे चावल। एंड अब मैं बनाऊंगी नमकीन पुलाव जो बनते हैं मटर वगैरह डाल के। मटर अभी आई है नहीं, अभी आने वाली है, बस जब बनाऊंगी तो बस इसीलिए वेट हो रहा है। एंड आटा लगा हुआ रखा है, सब्जी है दिन की ही आलू चने की, जो कि हम लोगों ने खाई नहीं थी, तो ऐसे के ऐसे ही रखी है आज पूजा की वजह से। तो बस अब वही है, अब बनाऊंगी पुलाव जब जाके। एंड आज आपने देखा कैसे मस्ती कर रहे थे दोनों के दोनों। एंड आज समीक्ष को जो मैंने बताया था आपको, इसको मिली थी स्माइली। तो बस और ये देखिए, ये आज जो समीक्ष के पापा भी, तो बस अब मैं जाऊंगी बनाने के लिए, चलते हैं, मिलती हूँ आपसे बाद में। एंड देखिए गाइस, ये इसका होमवर्क अभी तक हुआ नहीं है, कल इसको स्कूल जाना है और अब भी नीचे गया हुआ है, अब आएगा तो होमवर्क करेगा। और सिर्फ कितना सा होमवर्क है इसका, ये इतना सा होमवर्क है। अभी मैं इतने इसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ, इतने आएगा तो फिर अपना बस कर लेगा जल्दी जल्दी। चलिए देखो ये लिखा है राइट लेटर बी फॉर बिग ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये बी फॉर बॉल तो आपको पता है। इसमें बिग कौन सा है, मतलब बड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला। तो यहाँ लिखोगी इसमें, बताओ। अरे टूट गई हो, टूट गई हाँ। इतने वो भी नहीं है, है? शॉपनर नहीं है यहाँ पे, नीचे से बुआ से लेकर आओ जाओ। ये नोजी में फिंगर नहीं देते, गंदी बात होती है। लिखो यहाँ पे। बी फोर बॉल, वेरी गुड। अब इसमें करना है टिक द स्मॉल लेटर, तो इसमें सबसे छोटा एप्पल कौन सा है, ये। तो इस पे टिक करो ऐसे, देखो इसमें भी कर रखा आपने, टिक करो है? टिक करो, टिक राइट का निशान इसमें बॉक्स में करो। करो ऐसे, देखो कितना छोटा सा करा इसने, इसको कितना वो लगता है डर, बेटा बड़ा करना है बड़ा। तो गाइस अभी जैसा कि आपको पता है, अभी पता चला है मेरे को कि जो मेरा छोटे वाला देवर है वो तो लेट आएगा, वो आएगा 12 बजे रात को, तो वो खाना वहीं पर ऑफिस में ही खा कर आएगा। और दूसरा पापा अभी आने वाले हैं, तो जब आ जाएंगे तब खाएंगे, तो इसलिए मैंने किचन विचन में क्लीन करके जब आऊँगी। तो गाइस देखिए काम मैं करके अपने आ चुकी हूँ, किचन भी पूरी क्लीन हो चुकी है, अब अपना खाना भी ले आई हूँ और टाइम हो रहा भी, अभी पूरे 9 भी नहीं बजे, 9:15 हो रहे हैं। तो बस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।